बीपी बढ़ाई है मैं क्योंकि 23 तारीख को बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ेगा और बहुत सारों का लो होगा। बीपी बढ़ाई है मैं क्योंकि 23 तारीख को बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ेगा और बहुत सारों का लो होगा। लेकिन ये सारी बातें कही थी किसान का कर्जा माफ करेंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे, ये सारी बातें कही थी। इन बातों को सोच करके और समझ करके, इन बातों को सोच करके समझ करके लोग बाहर निकले थे। लेकिन जब पैसे देने पे भी अगली बार लोग बाहर नहीं निकल रहे, राम मंदिर की बात नहीं की गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावणी विनीत और आप देख रहे हैं दिन भर से हमारी विशेष प्रस्तुति। आज बहुत खास दिन, कहने को तो रविवार छुट्टी का दिन, लेकिन ये छुट्टी का दिन नहीं था साहब, ये तो बहुत खास दिन था। छठे चरण के लिए 7 राज्यों में धुआंधार वोटिंग हुई है, 59 सीटों पर ये वोटिंग हुई है। और इसके बाद से जो तस्वीरें अब निकल कर धीरे धीरे सामने आएंगी वो ये बताएंगी कि क्या 2014 जैसा ही जो परिप्रेक्ष्य उस वक्त बना था, जो परिस्थितियां उस वक्त बनी थी, क्या 2019 में भी वैसा ही कुछ होने वाला है। हालांकि ये अभी कहा जा रहा है कि जो परसेंटेज फिलहाल जो सामने आया है वो 2014 के कंपेरिजन में कम है, यानी कहा जा सकता है कि 59 सीटें जिनमें वो हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल थी जहां पर चार चार मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हों, अगर ऐसे समय में वोटिंग परसेंटेज कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं से बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 और उनमें से दो खास राज्यों की इस वक्त तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां से 80 और 40 सीटें आती हैं। कहा जाता है कि अगर इसको जीत लिया तो समझ लीजिए आधी जंग पूरी हो जाती है। तो बिहार की कुछ खास सीटों की नरकटियागंज और हाजीपुर की तस्वीरें आपके सामने, उतनी उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतापगढ़, प्रयागराज और रक्सौल की, बिहार के रक्सौल की भी तस्वीरें आपके सामने। लंबी लंबी लाइनें सुबह जरूर दिखाई दे रही थी, मौसम की मार थोड़ी जरूर पड़ी क्योंकि जैसे जैसे समय 10 बजे के बाद हमने देखा कि गर्मी बढ़ती गई, कुछ परसेंटेज कम हुआ, शाम होते होते यह आंकड़ा फिर से बढ़ा है। टोटैलिटी की अभी हम बात धीरे धीरे हमारे सामने जो तस्वीर आती जाएगी उस पर हम करते जाएंगे। एक और तस्वीर देख लेते हैं फटाफट, दिग्गजों ने भी वोटिंग डाली है और इसके अलावा कहीं पर भी वोट डालते समय किसी की उम्र आड़े हाथों नहीं आई है, तो कहीं पर जो दिव्यांग थे उन्होंने भी एक आइडियल तस्वीर पेश करने की कोशिश की। हालांकि ये तस्वीरें देखिए कि दिग्गजों की अगर बात करें, 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ हमने देखा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी आज सुबह अपने मत का प्रयोग किया, एक मैसेज दिया उसके तुरंत बाद कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर सबको आगे आना चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वहीं शीला दीक्षित दिल्ली की भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुझसे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मैं बस 5 सेकंड में ब्रेक लेती हूं, लेकिन AK मिश्रा जी से एक 5 सेकंड का कमेंट बहुत जल्दी
एके मिश्रा जी, छठा चरण हो चुका है। अब आप देखिए, जहां पर हम ये कहते हैं ना कि नियम भी जीतना है, लक्ष्य भी जीतना है, वहां पर खास तौर से जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो क्या माना जाए? ऐसी तस्वीरें ये बताती हैं कि पिछली बार जो मोटिवेटर थे ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी थे, उनकी टीम थी, या केजरीवाल जी दिल्ली में बहुत ज्यादा वोट निकलवाने में सक्षम हुए थे लोगों को घर से बाहर। अभी मैं देख रहा था, 3-4 महीने पहले आरएसएस के एक प्रवक्ता ने बोला था कि अब की बार हमारा लक्ष्य है 90-95% के ऊपर वोटिंग हो। सारे स्ट्रेटजिस्ट, सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता जितने भी थे, वो जनता को रिझा नहीं पाए। कोई भी पार्टी, इसका सीधा सा मतलब है कि जनता को रिझा नहीं पाई, इसीलिए लाइन नहीं लगी है। परसेंटेज वोटिंग अगर देखा जाए तो उतना 75% के ऊपर तो कहीं जा ही नहीं रहा है, जो पिछली बार हुआ था, कई जगह रिकॉर्ड टूटा था। तो ये उनकी दक्षता पे, जो बोलते हैं ना कि हम बड़े प्रभावशाली हैं, फलाने नेता बड़े इन्फ्लुएंसिंग है, क्या नेता हैं, क्या बोलते हैं, जनता को एकदम आंदोलित कर देते हैं, वो सारे शो फ्लॉप हो गए। ये बड़ा नेचुरल वोटिंग हो रहा है। आप ये मान लो, बिना किसी कैंपेन के अगर वोटिंग हो, वो वोटिंग हो रही है, अगर परसेंटेज इतना जाता है तो। चलिए, बिना किसी कैंपेन का जिस तरह से अगर वोटिंग होती है, जो तस्वीरें सामने आ रही है कि विश्वा जी ने अपने राजनीतिक चश्मे से इसे पूरी तरह से संवारने की कोशिश की है, एक छोटा वो लोग जो वोट डालने निकले हैं उनको हम बधाई देते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा देश प्रेरणा लेकर के 7वें चरण में जो अंतिम चरण है, इस मतदान को 70-75% तक पहुँचाएगा। उसके बाद मैं आपके स्टूडियो में बैठे हुए आपके रिपोर्टर संजय जी, मिश्रा जी और गुप्ता जी, इन तीनों की बात को सुन रहा था बड़े गौर से, और इन तीनों की बात को सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इन तीनों की बात में कहीं भी मोदी लहर नहीं दिखाई दी, जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती है। संजय जी ने तो स्पष्ट रूप से दिल्ली के अंदर कह दिया, जहां पर प्रधानमंत्री खुद बैठे हुए हैं 5 साल से, और खुद बैठ करके पूरे सरकार को, पूरे देश को चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो देश को चलाने की बात नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया को यहां से, दिल्ली से बैठ कर चला रहे हैं। उस दिल्ली के अंदर आपके ही रिपोर्टर संजय जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है, 1-1% वोट का अंतर है। ये भी नहीं कहा, और ना ही मिश्रा साहब ने कहा, और ना ही ओम वर्मा ने कहा कि राहुल की लहर है। हमारी लहर छोड़ दीजिए, हम अपनी लहर नहीं कह रहे हैं, हम अपनी लहर हम मान भी नहीं रहे। आप नहीं चाहते हैं कि आप लहर में रहें या कॉम्पिटिशन में रहें। आप, हम अपनी लहर नहीं कह रहे हैं, हम अपनी लहर हम मान भी नहीं रहे। आप नहीं चाहते हैं कि आप लहर में रहें या कॉम्पिटिशन में रहें। आप, मुझे इतना आश्चर्य होता है, मिश्रा जी बुद्धिजीवी समाज से, पढ़े लिखे समाज से आते हैं। मिश्रा जी, जब आपको समय मिले तो आप अपनी बात को कहिए, या तो मैं अपना समय आपको दे दूं। मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता हूं कि एक गंभीर मुद्दे को फिर उसके बाद, क्योंकि चर्चा है, सबको अधिकार अपनी बात। संजय जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, त्रिकोणीय मुकाबला बहुत नेक टू नेक फाइट है। दूसरी चीज मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वाज ओनली टॉकिंग अबाउट दिल्ली सर, और मैं कंप्लीट 7 राज्यों की बात कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 7 राज्यों में आ रहा हूँ। तो ये जो मतदान कम हुआ है, और जिसकी बात आप कर रहे थे कि मतदान कम हुआ, 2014 में मतदान इसलिए अधिक हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन करके और बहुत लोगों को लुभावने वादे किए थे, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, और आपका 15 लाख, और आपके जो ये क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे, पाकिस्तान को आंख दिखाएंगे, और काला धन खत्म करेंगे इस देश के अंदर से। ये सारी बातें कही थी, किसान का कर्जा माफ करेंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे, ये सारी बातें कही थी। इन बातों को सोच करके और समझ करके, इन बातों को समझ करके लोग बाहर निकले थे। लेकिन जब राम मंदिर की बात नहीं की गई, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जीतू शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, पर जाकर जिस तरीके के बयानात दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं देश की जनता को निराशा हाथ लगी है। क्योंकि अगर आप भाषा की स्तर की बात करने लगेंगे तो फिर आजम खान के आजम खान साहब ने जो बयान दिया था चुनाव आयोग में, जो उसका जवाब गया, उसको पढ़कर आने की आवश्यकता है, क्योंकि शायद आपने वो बयान पूरा नहीं पढ़ा होगा, और सुना भी था और पढ़ा भी था। हम एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास बिना समय गवाए चलते हैं, और जीतू जी आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि मैंने चेहरा पूछा था और आप नाराज हो गए थे
चेहरा पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मैं भी एक वोटर हूं और मैं जानना चाहूंगी कि अगर देश का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है तो ऐसी कौन सी शख्सियत होगी जो उस पद को पूरी तरह से गरिमामय तरीके से उस पद के लायक होगा। ये एक प्रश्न आम जनता का भी है। बहरहाल राष्ट्र की जिज्ञासा उत्तर प्रदेश में कहां चली गई थी? राष्ट्र की जिज्ञासा कौन है? जिज्ञासा उत्तर प्रदेश में कहां चली गई थी? तो भैया 72,000 देने के बाद तो आपके भी वोट नहीं निकल पाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ने इस बात को कही है कि हमारे पास चेहरा नहीं है, और आप भी लावनी जी पूछ रही है, पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता मंच पे सिर्फ एक ही बात कहता था कि हर राज्य के अंदर आपके पास 5-5 चेहरे हैं, कौन सा चेहरा नसीम खान जी कौन सा चेहरा होगा। इसमें पूरे चुनाव कैंपेन को उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गया, मतगणना हो गई, आज कमलनाथ किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, रमन सिंह की जगह पे कहते थे आदमी पाएगा, मैं उसकी जगह पे बात बकने चाहता हूं, किसानों का कर्जा, मैं नसीम जी से एक बात पूछना चाहता हूं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी से एक बात पूछना चाहता हूं, काम कर रहे हैं, तो आज हमारे पास चेहरे हैं। नसीम जी आप एक बात बता, 2004 के लोकसभा प्रदेश में कहां पर कितना काम हो रहा है ये दिख रहा है, मनमोहन सिंह जी चेहरा होंगे लेकिन 10 साल चेहरा साबित हुए, और मैं आपसे कहता हूं 23 तारीख के बाद इस देश के अंदर चेहरा आ जाएगा, लेकिन ये सवाल ही मत करिए, ये सवाल गलत है कि चेहरा कौन होगा, ये सवाल गलत है, लेकिन इस देश के अंदर चेहरा कौन होगा? चेहरा नहीं होगा तो मोदी नहीं होगा, चेहरा होगा तो कौन होगा? वो नहीं होगा तो युवा, चेहरा होगा तो वो नहीं होगा, चेहरा होगा तो जिसने किसानों की बात करें, ठीक है, चेहरा नहीं होगा तो वो नहीं होगा, जो भाजपा के दलाल बन करके मेरे बगल में राजनीतिक सरकार बन के बैठे, जिनका नेता चेहरा होगा, जिनके जैसे काला कोट पहनने वाले, जो काले दिल के हैं, जो जनता के लिए काला सोचते हैं, मोदी के चेहरे से, धोखेबाज के चेहरे से, चोर के चेहरे से, किसान विरोधी के चेहरे से, युवा विरोधी के चेहरे से, क्यों छुपा के रखा है सर? प्रधानमंत्री जो होने वाला है उसके चेहरे पे बुर्का क्यों है? हटाइए। ठीक है। देखिए चेहरे की बात जब आ रही है, सब इतना ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं क्योंकि ठीक है, चलिए बीपी बढ़ाइए मत, क्योंकि 23 तारीख को बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ेगा और बहुत सारों का लो होगा, बीपी बढ़ाइए मत, क्योंकि 23 तारीख को बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ेगा और बहुत सारों का लो होगा। जीतू शर्मा जी, एक सेकंड विवेक जी, जीतू शर्मा जी, सवाल आपसे पूछा गया था, सवाल यहाँ पर आया, प्रतिक्रिया सबने दी, अब चेहरों की बात के साथ साथ एक और मुद्दा जोड़ देते हैं सर आपसे, क्योंकि आज खास तौर से जिस तरह से हमारे यहाँ ये राजनीतिक इतिहास रहा है कि आप लाख कहें विकास का मुद्दा, आप लाख कहें कि बुनियादी मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन कास्ट और क्रीड कहीं ना कहीं से हावी होती हुई नजर आती है, ये भी एक सच्चाई है, और उत्तर प्रदेश में तो हमने इसका एक बड़ा स्वरूप देखा भी है। आज दलित को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया आई, मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, अगर इतना ज्यादा दलितों का इतना ज्यादा ख्याल है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा सर, आपकी साथी है वो, खासतौर से अलवर से जो तस्वीरें सामने आई है, क्या नहीं लगता कि वहां से मायावती जी को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए, पीछे बैकफुट पर आना चाहिए? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध क्या कहा उन्होंने कहा सिर्फ विरोध दर्ज कर देना? नहीं, पहले देखिए, आपने संवेदनशीलता पर सवाल पूछा तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरे देश ने देखा, जब ऑक्सीजन की कमी के कारण 200 बच्चे मर चुके थे, तब इनकी कितनी संवेदनशीलता थी सबने देखा, उन्नाव में एक बहन बेटी का रेप भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया, कितनी संवेदनशीलता थी वो भी देखा, दो दिन पहले भाजपा नेता ने मेरठ में एक दरोगा की बहन बेटी का चीर हरण करने का काम किया, वो भी देश ने देखा, 12,000 किसान सालाना आत्महत्या हो सकता है, ये कैसी संवेदनशीलता, ये भी देश ने देखा, नोटबंदी करके 160 लोगों की
क्योंकि हो गई अगर नोटबंदी का फर्क पड़ा की बात करते ये सामंतवादी लोग जवाब नहीं आया। किसी दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़कर सवाल का जवाब नहीं आया। अरे मित्रा जी आप मत कीजिए, आप संविधान को नहीं मानते, आप निष्पक्षवादी लोग हैं, निष्पक्षवादी लोग हैं, आप भारत के संविधान की निंदा करते हैं, आप भारत के संविधान की निंदा करते हो, अरे तीनों पंक्ति आपको जेल में डाल देना चाहिए, आप भारतीय जनता पार्टी के जेल में डाल दो ना करें, भारतीय जनता पार्टी के जेल में डाल, भारतीय जनता पार्टी के देखिए हम वापस लौटना चाहेंगे उस विषय पर। जी प्रेम कुमार जी बताइए। हम उस विषय पर वापस लौटना चाहेंगे जहां चर्चा हो रही थी चेहरे को लेकर, और चेहरे से ही बात बन रही थी, बात उठी थी। मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक देश में जहां संसदीय दल का नेता चुना जाता है, विधायक दल का नेता चुना जाता है, वैसे लोकतंत्र में उस लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि जनता वोट देकर के अपना प्रतिनिधि को चुनती है, और प्रतिनिधि आपस में अपना नेता चुनते हैं, और तब जाकर के वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है। हाँ। इस परंपरा को तोड़ने की शुरुआत जब कभी भी हुई है,
ये कांग्रेस के जमाने से हुई है और आज ताल ठोक करके उस परंपरा को ही हक बताया जा रहा है कि पहले चेहरा बताओ। अरे हमारे लोकतंत्र में पहले चेहरा बताने का विधान ही नहीं है। हमारे लोकतंत्र में ठीक है सर, आप क्योंकि आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप पत्रकार हैं, आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि चेहरे पर बात आकर इसलिए टिकती है क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ 5 सालों में बनी हैं, हम ये देखते हैं कि जब भी जो ये जंग हो रही है उसमें हमने देखा है कि एक बार फिर मोदी सरकार बात बार बार व्यक्ति विशेष और लीडरशिप मायने रखती है हमारे देश में। आप अगर कांग्रेस की ही बात करें तो हम अगर बीते 70 सालों की बात करें तो कांग्रेस में भी किस तरह से दिग्गज नेता रहे हैं उनका नाम का जिक्र भी करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। इंदिरा गांधी का जिक्र जब आता था तो यहां तो कहा ही जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो जब हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो क्यों नहीं हम चेहरे की बात करें, क्यों हम इससे पीछे हटें? इसी बात को तो हम कह रहे हैं, हमने आपको पहले अपनी संसदीय परंपरा को बताया, फिर बताया कि इस परंपरा को हमारी राजनीति ने तोड़ा है और आज की राजनीति वो उसको हक बताने पर और फेडरल सिस्टम थोपने पर तुली हुई है। आप इस हमारे संसदीय लोकतंत्र में पहले से चेहरा घोषित करना कहीं भी सूट नहीं करता, ठीक है, ये कोई फेडरल किस्म का लोकतंत्र नहीं है ठीक है। तो कहीं ना कहीं से एक ड्रॉबैक जरूर आ गया, ठीक है। एक मिनट जी, टू शॉट्स है, देखिए दिल्ली के लिए देखा गया ना तो सबसे क्रांतिकारी जो है एक चेहरा अगर कोई राजनीति का था तो अरविंद केजरीवाल उभरे थे, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उनका डी ग्रेड डाउनफॉल होता चला गया और सारी उम्मीदों पे से पानी फिर गया, इसीलिए मैं कोई बहुत स्कोप उनको नहीं देखता हूँ। कांटे की लड़ाई है केवल बीजेपी और कांग्रेस में, यहाँ देखना ये है कौन पहले नंबर पे, ठीक है। लेकिन मुकेश ये भी कह रहे हैं कि जनता तय करेगी और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अभी आगे के लिए ही शुभकामनाएं हैं आप सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को भी और तमाम जो हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। बीच में थोड़ा सा उत्तेजना उत्साह दोनों में ऐसे कहूंगी, लेकिन हाँ हम उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसी स्थितियां नहीं बने क्योंकि कई बार जो दर्शक हमें देखते हैं वो आपको आइडियल समझते हैं और हमारा ये अधिकार है कि हम एक अच्छा आइडियल सामने रखें। इसी उम्मीद के साथ निश्चित रूप से मिलेंगे फिर से, अभी बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आखिरी चरण का चुनाव पूरे हिंदुस्तान का इंतजार कर रहा है और उसके ठीक पहले अगर मायावती ने यह कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने छोड़ दिया है तो इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसका राज क्या है, मेरे पूरे पैनल और देश के सबसे नामी और क्रेडिबल जर्नलिस्ट
ए.के. मिश्रा के साथ देखिए ठीक रात 8 बजे राजधर्म। देश की डिबेट होगी, आपके लिए डिबेट होगी, आप तक डिबेट पहुंचेगी, आपका सवाल होगा। राजधर्म सिर्फ और सिर्फ FM न्यूज पर मेरे यानी राशिद और मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर रचना बंसल के साथ। राजधर में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं हूं राजधर में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं राशिद मायावती। और आखिरी चरण के ठीक पहले ये लगने लगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ